ही तो घर तू ही बसर पहचान तुम्हें।
मसले बहुत, अंधकार बहुत, इंसान गुलामी में है और सबसे बड़ी गुलामी है गुनाह की। कौन चुकाएगा गुनाह की कीमत, कौन दूर करेगा गुनाह की जरूरत, कौन आजाद करेगा पाप की बेड़ियों से। इंसान हार जाता है और हारता रहेगा, क्योंकि इन मुश्किलों का हल इंसान के पास नहीं, सिर्फ खुदा के पास है। मेरे अगले शब्दों को बहुत गौर से सुनिए। बेटा करता है आजाद जिसको, वो हकीकत में आजाद है। Whom the sun sets free is free indeed. कौन है ये बेटा और किस तरह वो हमें हकीकत में आजाद कर सकता है? उसका नाम है यीशु मसीह, जीवित और सच्चे परमेश्वर का इकलौता बेटा, जो इस धरती पर आया मनुष्य बनकर और क्रूस पर अपनी जान देकर उसने हमारी आजादी के सारे रास्ते खोल दिए। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना एक लौता बेटा हमारे गुनाहों के लिए दे दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए वो तबाह न हो बल्कि छूट जाए, आजाद हो जाए। इंसान ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पर यीशु मसीह कहता है, तुम्हारी आजादी के लिए मैंने अपना सारा खून बहा दिया। क्योंकि वो परमेश्वर है और केवल परमेश्वर ही ऐसी वाणी रख सकता है। तो आओ हम इन गुनाहों की बेड़ियों को तोड़ दें और इस दुनिया के मसीहा को अपने दिलों में आने दें। आज हम सब मिलकर अपने देश के लिए दुआ करें और अपने भारत को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें, क्योंकि वो एक ही है, वो एक ही है जो हमारे देश को हकीकत में आजाद कर सकता है। जो अंधकार में घिरे हैं उनके लिए वो रोशनी है, जो नफरत के शिकार है उनके लिए वो मोहब्बत है, जो शांति से परे है उनके लिए वो शांति का राजकुमार है। मार्ग सत्य जीवन वही है। स्वराज्य से नहीं पर परमेश्वर के राज्य के आने से ही बदल सकती है। आमीन।